हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम गाड़ी लाइट। सो ये है होंडा सिटी का वी एक्सट्रीम सिटी में आपको यहाँ पे तीन मॉडल मिल जाते हैं वी वी एक्स एंड जेड एक्स। सो ये मिड ट्रिम दिया गया है एंड काफ़ी फीचर रिच आपको मिलता है। इवन बेस ट्रिम भी बहुत ही फीचर रिच दिया गया है एंड इट्स अ कंप्लीट फैमिली सेडान। यहाँ पे 3 पर्सन रियर में इजीली अकोमोडेट हो सकते हैं। सो हम आपसे शेयर करने वाले हैं इस वी एक्सट्रीम का एक डिटेल वॉक अराउंड। हर एक फीचर हर एक एक्सपेक्ट के बारे में हम बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। सो गाइज राइट ऑफ फ्रेंड, यहाँ पे आपको होंडा सिग्नेचर विंग क्रोम ग्रिल मिल जाती है। इसी के साथ कुछ ऐसे यहाँ पे नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प अवेलेबल है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे, प्रोजेक्टर दिया गया फॉर लो बीम, रिफ्लेक्टर आपको मिलता है फॉर हाई बीम, फॉलो मियम लैम्प फंक्शन लीड मी टू द व्हीकल लैम्प फंक्शन एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प फंक्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। फर्दर मोर यहाँ पे आपको हेलोजन फॉग लैम्प मिल जाते हैं एंड यहाँ पे दोस्तों फ्रंट में आप एसेसरीज देख सकते हैं। दिस इज़ बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्शन एंड ये भी आपको एसेसरी मिलती है, ये भी एसेसरी दी गई है और इवन जो साइड प्रोफाइल है वो भी एसेसराइज्ड है। सो यहाँ पे वेस्ट लाइन मोल्डिंग या फिर साइड बॉडी मोल्डिंग अवेलेबल है। देन यहाँ पे डोर एज प्रोटेक्शन। सो ओवरऑल जो एसेसरीज दी गई है वो काफ़ी ज़्यादा लुक को एनहांस करती है एज यू कैन सी। और ये है 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स। सो ये है 185/55 सेक्शन टायर। यहाँ पे मड फ्लैप भी अवेलेबल है। विंग मिरर्स में यहाँ पे आपको लिटरली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल मिलते हैं, बट ऑटो फोल्डिंग फंक्शन आपको इस मॉडल में नहीं मिलेगा, वो टॉप एंड मॉडल में दिया गया। देन वी हैव गॉट सनरूफ, यहाँ पे रियर में शार्क फिन एंटेना और रियर डिफॉगर एंड दिस इज द रियर लुक। देन रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं दोनों साइड पे। रियर में 4 सेंसर्स अवेलेबल हैं। इसी के साथ ये है टेल लैम्प एंड टेल लैम्प आर लुकिंग वेरी स्टाइलिश। सिटी की बैजिंग एंड वहाँ पे आपको आई वी टेक एंड वी एक्स की बैजिंग मिलती है। आई वी टेक मीन्स पेट्रोल एंड हम चाहें तो दोस्तों ये जो कीज़ है की से भी बूट ओपन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ पे जो बटन दिया गया उससे भी बूट हम ओपन कर सकते हैं। लाइसेंस प्लेट की लाइट्स आपको हेलोजन में मिलेगी एंड फर्दर मोर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कीज़। एंड अगर हम इस बटन को लॉन्ग होल्ड करेंगे तो जो कार है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको रिमोट स्टार्ट स्टॉप भी मिलता है, साथ में यहाँ पे टेलीमेटिक सॉल्यूशन भी दिए गए हैं जैसे कि बाकी कार्स ऑफर करती है कनेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी। वैसे यहाँ पे होंडा में भी अवेलेबल है होंडा कनेक्ट। 5 ईयर्स की सब्सक्रिप्शन मिलती है। कार को आप रिमोटली स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, प्री हीट कर सकते हैं, प्री कूल कर सकते हैं। व्हीकल स्टेटस, व्हीकल इन्फॉर्मेशन एंड व्हीकल डेटा कंप्लीट आपके स्मार्टफोन ऐप पे आपको मिल जाएगा। सो एलेक्सा या फिर गूगल असिस्टेंट दोनों ही वर्क करते हैं विद होंडा कनेक्ट। तो सारी फीचर्स आप उधर से कंट्रोल कर सकते हैं, टायर प्रेशर वगैरह भी पूछ सकते हैं आप एंड सो ऑन। सो ये है बूट स्पेस, आप देख सकते हैं जो यहाँ पे टेलगेट लेट आपको मिलता है कम्प्लीटली अंदर से कवर दिया गया। दिस इज़ द टोटल कार्गो एरिया एंड यहाँ पे एक लगेज लैंप अवेलेबल है। यू कैन सी काफ़ी वेल शेप कार्गो एरिया दिया गया है। साथ में यहाँ पे जो लोडिंग अपर्चर है वो भी काफ़ी बिग साइज़ का है। सो यहाँ पे बिग लगेज आप इजीली लोड कर सकते हैं। और ये है स्पेयर टायर जो कि आपको फुल साइज़ का मिलता है, अलॉय व्हील विच इज़ वेरी नाइस। एंड होंडा कनेक्ट में यहाँ पे आपको इंडस्ट्री फर्स्ट 5 ईयर्स की सब्सक्रिप्शन मिलती है। साथ में यहाँ पे 3 ईयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी अवेलेबल है जिसको हम एक्सटेंड करवा सकते हैं अप टू 5 ईयर्स। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर करी गई है। सस्पेंशन में यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है, बहुत ही वेल ट्यून सस्पेंशन है, बहुत ही बैलेंस्ड राइड क्वालिटी ये ऑफर करता है। अब बात करते हैं गाइस कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में, ऑन रोड प्राइस के बारे में सो ऑन। सो दोस्तों फिफ्थ जनरेशन होंडा सिटी आपको मिलती है लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट इन द सेगमेंट। इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है होंडा के नोएडा प्लांट में और यहाँ पे एवरेज मंथली सेल जो है होंडा सिटी की भी एंड ट्राइबल व्हीकल्स की भी वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। डायमेंशन कंपेरिजन साथ में सिटी की ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm, टर्निंग रेडियस 5.3 मीटर्स, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 40 लीटर, बूट स्पेस 506 लीटर, अलॉय व्हील साइज आपको मिलेगा 16 इंचेस, कर वेट दिया गया है 1107 kg से लेके 1217 kg एंड ग्रॉस व्हीकल वेट आपको मिलता है 1482 kg से लेके 1592 kg का। सो यहाँ पे 5 अल्ट्रा मॉडर्न एंड वेरी अट्रैक्टिव कलर ऑप्शन ऑफर किए जा रहे हैं विच इज रेडिएंट रेड मेटालिक, प्लैटिनम वाइट पर्ल, मॉडर्न स्टील मेटालिक, लूनर सिल्वर मेटालिक एंड गोल्डन ब्राउन मेटालिक। एंड होंडा कार्स अभी तक इंडिया में टोटल सेल हुई है 16 लाख, उसमें से 7.5 लाख होंडा सिटी के यूनिट सेल हुए हैं। तो यहाँ पे आप सिटी की हिस्ट्री एंड टाइमलाइन देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और यहाँ पे सर्विस इंटरवल ऑफर करा जा रहा है 1 ईयर और 10,000 किलोमीटर्स का। एंड यहाँ पे आप सर्विस कॉस्ट भी देख सकते हैं होंडा सिटी की भी एंड राइवल व्हीकल्स की भी। सो सिटी की जो पेट्रोल की सर्विस कॉस्ट है आफ्टर 1 लाख किलोमीटर वो है 5500 रुपीज़ एंड आपको डीजल की मिलेगी आफ्टर 1 लाख किलोमीटर 7200 रुपीज़ जो कि क्लेम करी जा रही है बाय होंडा कार्स इंडिया। और होंडा सिटी को मिली है एशियन एनकैप रेटिंग फुल 5 स्टार्स की एंड यहाँ पे आपको मिलता है एस बॉडी स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म विच इज़ एडवांस कंपैटिबिलिटी इंजीनियरिंग
एंड दीज आर द सेफ्टी फीचर्स। और अब बात करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में। सो होंडा सिटी आपको मिलती है फ्रंट व्हील ड्राइव, और यहाँ पे दो इंजन ऑप्शन अवेलेबल है, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन विद मैनुअल एंड सीवीटी गियर बॉक्स, एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन विद ओनली मैनुअल गियर बॉक्स। सो डीजल में सीवीटी का ऑप्शन फिलहाल अवेलेबल नहीं है, एंड दिस इज द पेट्रोल इंजन। आप देख सकते हैं फायर वॉल पे कंप्लीट साउंड एंडिंग मटेरियल्स का यूज़ करा गया, बिग साइज यहाँ पे एयर पॉकेट्स अवेलेबल है, एंड यहाँ पे भी देख सकते हैं साउंड एंडिंग मटेरियल का यूज़ करा गया है। और अगर आप पेट्रोल कार प्लान करें लेने का तो होंडा सिटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको मोस्ट रिफाइंड इंजन मिलता है, बहुत ही पावरफुल दिया गया है, अप टू 7000 आरपीएम भी एक्सीलेंट पावर ऑफर करता है। फर्दर मोर यहाँ पे आप देखेंगे बीनीथ इसके तो यहाँ पे अंडर बॉडी इंजन गार्ड या फिर अंडर बॉडी प्रोटेक्शन किट भी अवेलेबल है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजन ऑप्शन कंपेरिजन। फर्स्ट है पेट्रोल इंजन जो है 1.5 लीटर फोर सिलेंडर आईवीटेक BS6 कंप्लायंट पेट्रोल इंजन, और ये जनरेट करता है 119 bhp ऑफ पावर एंड 145 nm ऑफ टॉर्क। यहाँ पे 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड सीवीटी गियर बॉक्स अवेलेबल है। मैनुअल की माइलेज है 17.8 kmpl एंड सीवीटी की आपको मिलेगी 18.4 kmpl। एंड द सेकेंड वन इज 1.5 लीटर फोर सिलेंडर आईवीटेक BS6 कंप्लायंट डीजल इंजन, एंड ये जनरेट करता है 98 bhp ऑफ पावर एंड 200 nm ऑफ टॉर्क। यहाँ पे सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स अवेलेबल है, एंड इसकी माइलेज है 24.1 kmpl। सो दोनों फ्रंट डोर्स में यहाँ पे आपको स्मार्ट पैसिव कीलेस एंट्री मिलती है, रिक्वेस्ट सेंसर भी अवेलेबल है। सो अगर हम कार को यहाँ पे लॉक करते हैं और कीज़ जो है आपकी पॉकेट में है या फिर विसिनिटी में है, तो जस्ट आप डोर हैंडल को ऐसे होल्ड करेंगे, कार ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी, एंड लॉक करना है तो जस्ट आप इसे ऐसे प्रेस कर सकते हैं। एनी फंक्शन दोनों ही फ्रंट डोर्स में अवेलेबल है स्मार्ट पैसिव कीलेस एंट्री का। और ये है डैशबोर्ड की लुक, वेलकम फंक्शन हमें मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, एंड डुअल टोन इंटीरियर्स अवेलेबल है। यू कैन सी द फ्रंट सीट्स, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री ऑफर करी जा रही है, सीट्स आर सुप्रीमली कंफर्टेबल। यहाँ से हम हाइट एडजस्ट कर सकते हैं ड्राइवर साइड सीट ही, इधर से हम ओपन कर सकते हैं टेल गेट को, वी हैव गॉट क्लच फुट रेस्ट, साथ में यहाँ से हम बोनट ओपन कर सकते हैं, यहाँ से फ्यूल लिड, और यहाँ पे एक स्टोरेज पॉकेट, सो यहाँ पे कीज हम प्लेस कर सकते हैं। एंड ये है ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, एंड दिस इज हेडलैम्प लेवलर, दोनों ही स्विचेस दिए गए हैं इल्यूमिनेटेड, एंड ये है सनरूफ। सो सनरूफ आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड ओपन होती है, एंड दीज आर द रियर सीट्स, और ये है फ्रंट डोर। सो डुअल टोन डोर दिया गया है, एंड यहाँ पे भी कंप्लीट फैब्रिक फिनिश ऑफ कर रही है, फैब्रिक कुशन्ड है। यहाँ पे स्पीकर, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, एंड देन ऑल फोर पावर विंडो कंट्रोल्स, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन, साथ में ऑटो अप विद पिंच गार्ड फंक्शन, और ये है पावर डोर लॉक स्विच, एंड दीज आर ORVM कंट्रोल्स। साथ में यहाँ पे आपको फ्रंट में ट्विटर भी मिल जाएगा, एंड यहाँ पे जो भी कंट्रोल्स दिए गए हैं गाइज, उसमें से सिर्फ आपको ये सब इल्यूमिनेटेड मिलते हैं, ये नहीं दिए गए। सो आप देख सकते हैं ये एंड ये आपको मिलेगा इल्यूमिनेटेड। और अब चेक करते हैं अदर फीचर्स। सो आप देख सकते हैं कोई भी डोर ओपन होगा तो हमें रिमाइंडर मिलेगा, अगर हम यहाँ से ओपन करते हैं टेल गेट को तो उसका रिमाइंडर भी मिलता है, एंड बोनेट ओपन करते हैं तो उसका रिमाइंडर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो इसको क्लोज कर देते हैं। सो गाइज ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक। सो फर्स्टली इट इज़ अ लेदर रैप यूनिट, एक्सीलेंट ये ग्रिप ऑफर करता है, फ्लैट बॉटम दिया गया है, एंड देन वी हैव गॉट एडजस्टमेंट। सो यहाँ पे टिल्ट एडजस्टमेंट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही अवेलेबल हैं, एंड वी हैव गॉट ग्रैब हैंडल। यहाँ पे आपको एयर बैग की वॉजिंग मिल जाती है, 6 एयर बैग्स अवेलेबल हैं, एंड इधर आप इसको प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्यूमिनेशन जो है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज होगी। कैबिन की बहुत ही स्मार्टली डिजाइंड है, इवन यहाँ पे आपको बल्ब शो कर रहा है जो कि लाइट उसकी कम एंड ज़्यादा होगी, सो इट इज़ रियली नाइस। फर्दर मोर यहाँ पे आपको MID कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इन्फोटेनमेंट सिस्टम की ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, वॉइस कमांड कंट्रोल्स। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल्स, दीज आर हेडलैम्प कंट्रोल्स, दीज आर वाइपर कंट्रोल्स, एंड पेडल शिफ्टर्स भी ऑफर करे गए हैं। फर्दर मोर गाइज ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, सो दिस पार्ट इज डिजिटल, एंड वो आपको स्पीडोमीटर मिलेगा एनालॉग, एंड यहाँ से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं।
सो बेसिकली यहाँ पे आप टैकोमीटर डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी कि RPM मीटर, देन यहाँ पे रेंज एंड फ्यूल जो है, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी एंड डुअल ट्रिप मीटर, स्पीड एंड टाइम, तो यहाँ पे इंजन रनिंग टाइम डिस्प्ले होगा, एवरेज स्पीड एंड जी मीटर भी यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, देन देयर आर सम सेटिंग्स। सो डिफ्लेशन वार्निंग, यानी कि अगर टायर प्रेशर कम होगा तो यहाँ पे आपको उसकी वार्निंग मिलेगी, उसको भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, क्लॉक को सेटअप कर सकते हैं, मीटर सेटअप एंड लाइटनिंग सेटअप भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो इंटीरियर लाइट डिमर आप सेट कर सकते हैं, कितनी देर में ये डिम होगी। सो बेसिक यहाँ पे सेटिंग्स अवेलेबल हैं, कस्टमाइज डिस्प्ले, सो यहाँ पे हम डिस्प्ले को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बेसिकली आप क्या क्या यहाँ पे हाइड करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे हाइड कर सकते हैं, जो शो करवाना चाहते हैं वो आप शो कर सकते हैं, जी मीटर को हम यहाँ पे हाइड कर सकते हैं, इसको भी हम हाइड कर सकते हैं। सो अपने कंफर्ट के हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको नॉर्मल यहाँ पे रिमाइंडर्स मिलेंगे, लो फ्यूल रिमाइंडर, सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड इंजन स्टार्ट रिमाइंडर एंड सो ऑन। एंड फर्दर मोर ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम, सो 8 इंचेस का लेटेस्ट डिजी पैड अवेलेबल है, 4 स्पीकर्स एंड 4 ट्विटर्स ऑफर करे जा रहे हैं, एंड ये सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, यहाँ पे आप USB कनेक्ट कर सकते हैं, आईफोन आईपॉड कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, ब्लूटूथ को सपोर्ट करेगा, वॉइस कमांड अवेलेबल है, एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो टच रिस्पॉन्स दिया गया है पुरानी वाली होंडा सिटी से आपको काफ़ी बेटर मिलता है। और यहाँ पे आपको कुछ बेसिक सेटिंग मिल जाती है गाइस, क्लॉक सेटिंग एंड लैंग्वेज सेटिंग, ब्लूटूथ सेटिंग, लैंग्वेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। और ये है फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम एंड इट इज़ सुपर नाइस टू टच एंड होल्ड, यहाँ पे आपको बहुत ही एक्सलेंट फिट एंड फिनिश क्वालिटी मिलती है, इवन वर्ना से भी बेटर आपको यहाँ पे फिट एंड फिनिश क्वालिटी मिल जाएगी। सो यू कैन सी कितना यहाँ पे फील गुड फैक्टर ऐड करते हैं ये नॉब्स वाइल्ड यूजिंग, सो बहुत ही एक्सलेंट ये साउंड क्रिएट करते हैं, वी कैन चेंज मोड फ्रॉम हेयर एंड इवन यहाँ पे एक लाइट भी अवेलेबल है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ये रेड कलर की हो जाता है नॉब एंड डिक्रीज़ करते हैं तो ब्लू कलर, एंड यहाँ पे इवन मैक्स कूल का ऑप्शन भी अवेलेबल है, अगर आपको फटाफट कैबिन कूल चाहिए तो आप मैक्स कूल को ऑप्ट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे ट्विन USB पोर्ट्स और ये 12 वोल्ट का पावर सॉकेट एंड साथ में ये आपको प्लेस मिलती है इल्यूमिनेटेड, सो यू कैन सी यहाँ पे एक लाइट दी गई है ताकि आप जब USB स्लॉट करें तो ये एरिया इल्यूमिनेटेड रहे। और यहाँ पे देन कुछ स्पेस अवेलेबल है, यहाँ पे हम अपना स्मार्टफोन प्लेस कर सकते हैं या फिर अपना स्मार्टफोन आप यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे ट्विन बॉटल होल्डर स्पेस, यहाँ पे आपको इकॉन मिल जाता है जो कि सिर्फ इधर अवेलेबल है CVT में, एंड रिवर्स गियर स्लॉट करें तो ये है रियर व्यू कैमरा, सो ये है वाइड व्यू, नैरो व्यू एंड ये है टॉप डाउन व्यू। सेंसर्स का डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिलता है एंड गाइडलाइंस आर नॉट अडैप्टिव, यहाँ पे भी कुछ स्पेस दिया गया, दिस इज फ्रंट आर्मरेस्ट विच इज कुशन आर्मरेस्ट एंड यहाँ पे भी कुछ स्पेस ऑफर करा जा रहा है। फर्दर मोर यहाँ पे देखेंगे गाइस तो दिस इज द ग्लव बॉक्स, कूलिंग फंक्शन ग्लव बॉक्स में आपको सेट में नहीं मिलता, आपको यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिल जाता है। कैबिन ओवरऑल बहुत ही एक्सलेंटली लेड आउट है, देन वी हैव गॉट वैनिटी मिरर, यहाँ पे ट्विन फ्रंट में कैबिन लैम्प मिलते हैं विच आर इन हेलोजन, दिस इज ऑटो डिमिंग IRVM, बेसिकली आपको इस मॉडल में नॉर्मल IRVM मिलता है, ऑटो डिमिंग बाद में इंस्टॉल करा गया, एंड यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर ऑफर करा जा रहा है। सो आप चेक करते हैं रियर सीट्स एंड यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है, जब आप कार ड्राइव करेंगे तो यहाँ पे जो बोनेट है वो विजिबल नहीं रहेगा। और ये है रियर डोर, सो यहाँ पे स्पीकर, बॉटल होल्डर, पावर विंडो कंट्रोल्स विच आर नॉट इल्यूमिनेटेड एंड यहाँ पे ट्विटर्स भी अवेलेबल हैं। देन अगेन फैब्रिक कुशन फिनिश एंड दीज आर द रियर सीट्स, सो यहाँ पे आपको 3 फिक्स हेडरेस्ट मिलती है, सेंटर में आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर स्पेस, और यहाँ पे फ्रंट सीट्स के बैक पे पॉकेट भी अवेलेबल है फॉर योर मैगजीन न्यूज़पेपर्स एंड एज वेल एज आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली डिज़ाइन एक और पॉकेट मिलती है, सो यहाँ पे आप अपना जो स्मार्टफोन है वो ऐसे प्लेस कर सकते हैं। और ये रियर रिसीवेंट, साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्विन यहाँ पे 12 वोल्ट की पावर सॉकेट भी इवन अवेलेबल है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल, यहाँ पे भी आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा बट इधर कोट हैंगर दिया गया,
इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोट हैंगर अवेलेबल नहीं है। सेंटर में ट्विन रीडिंग लैंप्स और कैबिन लैंप्स, यू कैन सी सीट बेल्ट नॉन एडजस्टेबल है एंड दिस इज द डैशबोर्ड। सो कैसी लगी आपको होंडा सिटी? जो स्पेस एंड कंफर्ट है उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपने टॉप एंड वेरिएंट के वॉक अराउंड में, तो आप वो चेक कर सकते हैं, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा एंड अदर वीडियोज़ भी जरूर चेक करें चैनल पर।